अब से भारत में ही आईफोन बनने वाले हैं और टाटा कंपनी ही बनाने वाली है। खबर है कि टाटा और विस्ट्रॉन की डील पूरी हो गई है। ये डील 750 मिलियन डॉलर की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों पक्षों के बीच बुधवार को ये डील पूरी हुई। इससे पहले बीते 27 अक्टूबर को इस डील के बारे में कुछ बड़ी जानकारियां बाहर आई थी। ये कहा गया था कि टाटा इक्विटी चेक के नाम पर 125 मिलियन डॉलर देने वाले हैं। इसके अलावा टाटा के ऊपर 75 से 80 मिलियन डॉलर का कर्ज भी ट्रांसफर होगा जो विस्ट्रॉन पर था। इसके साथ ही 550 मिलियन डॉलर का इंटर कॉर्पोरेट लोन भी विस्ट्रॉन इंडिया को दिया गया था जो अब टाटा के पास गया है। भारत में विस्ट्रॉन का जो प्लांट था वो अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड यानी TEPL के पास आ गया है, जिसका अपना प्लांट होसिर तमिलनाडु में है। आपको बता दें कि TEPL पूरी तरह से टाटा सन्स की कंपनी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि टाटा के ऊपर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एप्पल और टाटा दोनों ही भरोसेमंद ब्रांड्स हैं और बैंकों की तरफ से भी इन्हें मदद मिलेगी। बीते साल ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि टाटा जो भारत में पहले से एप्पल के पार्ट सप्लाई कर रहा था वो विस्ट्रॉन के प्लांट्स खरीदने की चर्चा में है। आपको बता दें कि फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के अलावा विस्ट्रॉन भारत में एप्पल का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर था। टाटा और विस्ट्रॉन की इस डील से केंद्र सरकार भी उत्साहित है। सरकार का मानना है कि टाटा का इस डील में आना वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत का नाम आगे बढ़ाएगा। आपको बता दें कि साल 2025 तक एप्पल अपने 25% प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट करने की तैयारी में है। फिलहाल चीन में एप्पल का प्रोडक्शन और असेंबली सबसे ज्यादा हो रहा है।